आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। सीता हरण का सीन देखने के लिए ग्राउंड में उमड़ी भीड़, देखिए अर्थ प्रकाश की विशेष रिपोर्ट। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे नहीं जानते? इंद्रादि देवताओं और राक्षसों के समूहों को मैंने परास्त किया है, ये देखकर कि मेरी बहन शूर्पणखा क्रूर बना दी गई, ये सुनकर कि मेरे भाई खर और दुखन की हत्या कर दी गई, मैंने अपने छल से आपस में टकराव क्यों नहीं जाते? मोहन तू क्यों नहीं आ जाते? पवन देव तुम साक्षी हो, पक्षी गणो गवाह, तुम मेरी इस धर्म की नौका के सूर्य चंद्र मना हो, तुम इस धर्म की रक्षा करने का दुनिया का बस ये नाता है। मैं श्री राम को पिता समझता हूँ और सीता मेरी माता है। भाई मुझे उल्ला न दे, तुम कर देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना, मेरा आपकी आज्ञा के भीतर तुम इस रेखा के भीतर रहना। मेरे उल्लंघन करके दो कुटिया के भीतर आएगा है और उसे भी लक्ष्मण की वो यही पसंद हो जाएगा। भगवान तुझे बिंदास की ओ सदा बोल भारा दिया, तू दूजो रहा और तू तो भल देवी हो दूना हाथ करा, भूखे तो थोड़ा भोजन दे देवी हो अर्जुन हाथ करा। सोच लगाए जा रहे ऐसे अल्पाज सुनने से पहले कानो तुम पर क्यों नहीं जाते? वायु तुम पर ने का रूप धारण क्यों नहीं कर लेते? जाएगा बस अब मैंने जान लिया स्वार्थ का भाई जा रहा है, जिस कारण तुम वन में आए हो कुछ मतलब और तुम्हारा है। सर थानू लक्ष्मण दा रोल तुसी पहली बार निभा रहे हो, किदा दा फील हो रहा है? मैनू बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लक्ष्मण जी दा पाठ कर रहा हूँ पहली बार, तो मैं पहला भी पाठ किते ने पर मैं 10 साल हो गए मैं माता जी दा सीता माता जी दा रोल करता सी, पर ये मेरा चेंज हो गया, फिर इस साल मेरा लक्ष्मण जी दा पहला साल है तो मैनू बहुत अच्छा लग रहा है। तुहाडी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 23। 23 साल की उम्र है तो 23 साल की उम्र के बच्चे जोड़े है रामलीला तो दूर हटते जा रहे हैं, ठीक है जी, तो तुम उन बच्चों उन अपनी उम्र के जोड़े नौजवान उन्होंने तुम की कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आओ यहाँ पे, मतलब कि रामलीला हो रही है तो देखो, जितना देखोगे उसके बारे में जानोगे तो और ज़्यादा इसको हम प्रमोट कर पाएंगे। प्रमोट तो है ही पहले ही काफ़ी ज़्यादा, पर लोग पीछे हटते जा रहे हैं तो लाइकली जैसे सोशल मीडिया की वजह से, तो उन्हें आना चाहिए यहाँ पे, देखना चाहिए कि हम जैसे 2 महीने पहले से रिहर्सल करनी स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो हमें देखना चाहिए कि क्या क्या हमारा सब कुछ हो रहा है, तो इसमें मन लगा रहता है कि और कोई गलत कामों से बंदा दूर रहता है वो इसमें मन लगा रहता है सबका। जी रिहर्सल कर रहे थे जब थोड़ा राम दा सॉरी लक्ष्मण का रोल थोड़ा दसाया गया तो उस टाइम थोड़े दिमाग के क्या सीगा कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि लक्ष्मण के सीता सोमवर वाला जो दिन है उस दिन बड़ी डायलॉगबाजी होती है, बड़ा आवाज़ से दम चाहिए है परशुराम जी लड़ाई करते हुए, तो थोड़ा किदा थोड़े चैलेंज सी? नहीं मेरे को ये तो पता है कि मैं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को 10 साल हो गए माता जी का रोल करते हुए, तो राम लक्ष्मण सीता जी साथ में ही होते हैं तो डायलॉग तो मेरे को लगभग सब रहे याद ही थे, बस एक थोड़ा सा डर होता है कि स्टेज पे मेरे को जैसे वो था सॉफ्ट सीन, ये थोड़ा हार्ड सीन, तो इस बेस पे मेरे को ये था, पर जैसे ही मैं स्टेज पर आया तो सब कुछ अच्छे से हो गया। की कहना चाहोगे सारे यंगस्टर्स? मैं ही कहना चाहूँगा कि आओ सारे यहाँ पे देखो कि जितना यहाँ पे क्राउड होगा हमें भी मोटिवेट मिलता है उससे करने में कि हमारी जो मेहनत है सब कुछ, तो अगर जब तक आप नहीं आओगे तो तब तक हमारी वो मेहनत फल नहीं लाएगी।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਦੀਜ਼ ਆ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਲਵ ਜਿਹਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਯਾਨੀ ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਕੇ ਮੰਚਨ ਕੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਕੇ ਰਾਮ ਜੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਈਏ ਕਿ ਆਪ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਕਬ ਸੇ ਇਸ ਮੰਚ ਕੇ ਸਟਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰੁਣ ਹੈ। ਮੁਝੇ ਲਾਸਟ 18 ਈਅਰ ਸੇ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਰਾਮ ਕਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਕੈਮੀਕਲ ਕਾ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ। ਵੋ ਆਈ ਥਿੰਕ 18-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਝੇ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਤੇ ਹੋਏ, ਲਾਸਟ 18 ਈਅਰ ਸੇ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਰੋਲ ਜੋ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਾ ਅਵਤਾਰ ਕਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਤੋ ਸਰ ਆਪਕੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਬ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੋ ਕੈਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਤਾਏ। ਰਾਮ ਜੀ ਕਾ ਰੋਲ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਕਾ ਰੋਲ ਕਰਤੇ ਹੋ ਮੁਝੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੋ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਉਸ ਰੋਲ ਕੋ ਜੀਤਾ ਹੂੰ। 10 ਦਿਨ ਜੋ ਆਪਕੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੇ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਥੋੜਾ ਸਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾ ਲਗਤਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਸੇ ਕਹੇ ਤੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਆਜ ਕੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ੋ ਸੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਨ ਚੀਜ਼ੋ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਫਾਸਟ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਆਪਕਾ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ ਵੀ ਆਪਕਾ ਰੋਲ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਕੈਸੇ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਤਾਏ। ਉਸਮੇ ਫਾਸਟ ਮੇਂ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੈ ਵੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਰਖਾ ਹੈ ਤੋ ਫੀਲ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੇ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਤੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸਰ ਅੱਜ ਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਯੁਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 21-22 ਸਾਲ ਕੀ, ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਗਿਆ ਕਿ ਆਪਕੇ ਜਬ ਆਪ ਛੋਟੇ ਦੇ ਆਪ ਜਬ ਆਪ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਤੇ ਤੋ ਕਿਲਾ ਪੂਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿਤਾ ਥਾ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਕਿ ਕਲੱਬ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੀ ਟਾਈਮ ਮੇਂ ਯਹਾਂ ਕੀ ਦੁਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਰਹਿਤੀ ਥੀ ਔਰ ਰਾਤ ਕੋ 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਮਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੋ ਅਬ ਕੀ ਦੌਰ ਮੇਂ ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਹੈ? देखो जो ये रामलीला 115 से 20 साल पुरानी बहुत पुरानी रामलीला है, यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग थे हमारे प्रधान जी वगैरह ने जो बताई हैं बातें वो सच है। यहाँ पर बहुत क्राउड होता था, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर रामलीला देखने आते थे, मतलब अपने बिस्तरे वगैरह लेकर पहले से ही आकर बैठ जाते थे रामलीला देखने के लिए। अब वैसा नहीं रहा क्योंकि अब सोशल मीडिया वगैरह फ़ोन इन चीज़ों ने आजकल की जो जनरेशन। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं सर, आप क्या सोचते हैं रामलीला के जब अंदर आप एंटर होते हैं तो आप लोग पब्लिक देखते हो तो क्या सोचते हो? अच्छा फील होता है बट सोचते हैं कि रश होना चाहिए, पब्लिक को इन चीज़ों से जुड़े रहना चाहिए, हमारे सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे सभी यंगस्टर्स को? यंगस्टर ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।